मम्मी's with the maggots now. दुनिया में ऐसे बहुत सारे भूतिया और हॉन्टेड गेम्स हैं जिन्हें खेलकर आप मरे हुए लोगों को अपनी दुनिया में बुला सकते हो, उनसे अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे हॉन्टेड गेम के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर एक मरी हुई आत्मा एक चुड़ैल दिन भर आपके साथ रहेगी। इस गेम का नाम है बाथ टब गेम। इस गेम को खेलना आसान नहीं है, साथ ही साथ ये गेम काफी ज्यादा डेंजरस है। क्या वाकई में ये कोई भूतिया गेम है या फिर केवल ये हमारी साइकोलॉजी का खेल है? क्या वाकई में ऐसा कोई गेम खेलने के बाद आत्मा हमारे साथ दिन भर रहती है? जानेंगे हम कैसे खेलते हैं ये खतरनाक खेल और इसके पीछे के असली सच आज के फाड़ू वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, इस गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए पड़ेगा एक बाथ टब। तो अगर आपके पास बाथ टब नहीं है तो वीडियो को यहीं पर रोक दो, क्योंकि बाल्टी मग्गे से नहाने वालों के साथ आत्माएं दिन भर नहीं घूमती। ये भगवान क्या जुल्म है। इस गेम को दरुमा सान नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्राचीन जापानीज रिचुअल है। इस रिचुअल में एक घोस्ट को, एक मरे हुए इंसान को अपनी दुनिया में बुलाया जाता है और फिर वह दिन भर आपके साथ रहता है। मरे हुए इंसान को अपनी दुनिया में बुलाने के लिए आपको रात के समय सोने से पहले बाथरूम में जाना होगा। उसके बाद आपको अपने बाथ टब को फुल भर देना है पानी से और उसके बाद सारे कपड़े उतार कर उसमें बैठ जाना है। देखो ये रिचुअल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको कपड़े उतारने ही पड़ेंगे। और अगर आपको शेम लगती है तो फिर भाई इस गेम को मत खेलना। वैसे भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये सारे गेम किसी को नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि अगर ये रिचुअल सच में आपने परफॉर्म कर लिया तो हो सकता है आपके साथ बुरी घटनाएं घटने लगें और वाकई में हो सकता है कोई आत्मा आपके पीछे लग जाए जिसे वापस आप उसकी दुनिया में भेज ही ना पाओ। सोचो फिर आपका क्या होगा। अब आप बोलोगे, गौरव भाई हमने सारे कपड़े उतार दिए हैं, आगे की प्रोसेस बताओ। तो चलिए आगे जानते हैं इस गेम को कैसे खेला जाता है। आपको बाथरूम में जाना है रात के समय, बाथरूम की लाइट्स बंद कर देनी है, बाथटब में आपको बैठ जाना है, उसके बाद आपको अपने बाल धोने शुरू करने हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये करते समय आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और बाल धोते समय आपको ये लाइन बार बार दोहरानी है, दरुमा साम फॉल डाउन, दरुमा सान फॉल डाउन। इस सेंटेंस को रिपीट करना बंद मत करना और गलती से भी अपनी आंखें मत खोलना। ये सब करते समय आपको ये भी इमेजिन करना है कि आपके सामने एक जैपनीज लड़की बाल धो रही है और तभी अचानक पैर फिसलने की वजह से उसका सिर नल से टकरा जाता है और उसकी एक आंख निकलकर बाहर आ जाती है। मतलब लिटरली यार, इतनी उल्टी सीधी चीजें कोई सोचेगा तो फिर उसका दिमाग तो खराब हो ही जाएगा ना। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। आपकी आंखें अभी भी बंद है लेकिन अब आपको बाथरूम में अपने पीछे किसी के होने का एहसास होगा। लेकिन आपको गलती से भी पीछे पलटकर नहीं देखना है। और अब आता है इस गेम का सबसे मुश्किल पार्ट, आपको आंखें बंद किए हुए ही बाथरूम से बाहर आना है और ऐसा करते समय हो सकता है आपका पैर फिसल जाए या आपकी आंख खुल जाए। वैसे तो ये सब होने से पहले घर वाले चप्पलों से मार मार कर आपको टमाटर बना देंगे। वो खुद सोचेंगे कि हमारा बच्चा आधी रात को कपड़े उतार कर बाथरूम से आंखें बंद करके बाहर क्यों आ रहा है। एनीवे अगर कोई इंसान ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेता है तो इस गेम का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है। अब वो इंसान आंखें खोल सकता है और आराम से जाकर सो सकता है, क्योंकि अब अगले दिन उसके साथ पूरे दिन एक आत्मा रहने वाली है। जब ये आत्मा दिन भर आपके साथ रहेगी तो ये आपके शरीर पर हावी होने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको पूरी तरह से कॉन्शियस रहना है। अगर आपको एहसास हो कि कोई आपके बहुत नजदीक आ रहा है तो आपको तुरंत पलट कर देखना चाहिए, नहीं तो ये आत्मा हो सकता है आपके शरीर में प्रवेश कर जाए। ये पूरे दिन खत्म होने के बाद आत्मा अपने आप अपनी दुनिया में चली जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब आपको एक और रिचुअल करना पड़ेगा। आपको जैपनीज में बोलना पड़ेगा KITA कीटा, इसका मतलब होता है आई विल कट यू लूज। और आपको अपने हाथ को ऐसे तलवार की तरह चलाना है जिससे डर कर वो आत्मा वापस चली जाए। उस आत्मा को ये पता चल जाना चाहिए कि आपको मालूम है कि वो अभी तक गई नहीं है, इससे वो आत्मा वापस चली जाएगी। लेकिन अगर आपके ये सब करने के बाद भी आत्मा वापस नहीं जाती है तो समझ लो कि आपकी वाट लगने वाली है। वो आत्मा खुद आपसे बोलेगी कि गौरव कटारे ने जब 50 बार बोला था कि ये रिचुअल परफॉर्म मत करो, इस वीडियो को केवल एंटरटेनमेंट के लिए देखो, लेकिन नहीं, तुमको आत्मा बुलानी थी, तुमको बाथटब गेम खेलना था, तो अब भुगतो। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भैया आत्मा तुम्हारा नाम क्यों लेगी गौरव भाई। तो भैया भूतों का और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। भूतिया दुनिया का हर भूत, हर मॉन्स्टर, हर क्रिएचर गौरव कटारे एक्स्ट्रा को अच्छे से जानता है। चल झूठा। सारे भूत बहुत अच्छे से जानते हैं कि गौरव भाई हमारी पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो चलो जरा इस गेम की भी पोल खोलते हैं और जानते हैं इसका साइंटिफिक साइड।
देखो सबसे पहली बात तो अगर आपको रात को सोने से पहले नहाने की आदत नहीं है और आप अगर ये गेम परफॉर्म करते हो और नहाते हो एक अनयूजुअल टाइम पर, तो हो सकता है अगले दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए। और बहुत से लोग यही सोचेंगे कि शायद आत्मा हमारे पीछे लग गई है इसलिए उसने हमको बीमार कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त, ये नहीं है आत्मा का काम, ये है सर्दी जुकाम। दूसरी बात, अगर आप रात के समय ऐसे उल्टे सीधे काम करने के बाद सोते हो तो ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। दिन भर आपको ऐसा एहसास होता रहेगा कि कोई आपके साथ है, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर गलती से कोई चीज आपके हाथ से ही गिर जाती है या किसी और की वजह से कोई आवाज होती है तो आपको ऐसा लगेगा शायद ये कोई भूत है। तो देखो एक्चुअली में जितने भी अर्बन लीजेंड्स की प्रथाएं हैं, ये जो रिचुअल्स हैं, ये सच होते हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज के टाइम में ये सारी चीजें उतनी इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। इन सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करने से आपको आत्मा के दर्शन तो नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, हो सकता है आप अंधविश्वासी बन जाओ, हो सकता है आप सच में ये मानने लगो कि एक आत्मा आपके साथ है। और सोचो अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि एक आत्मा आपके साथ है और वो अपनी दुनिया में वापस नहीं गई है, तो फिर आपकी आगे की सारी लाइफ, आपकी स्टडी, आपका कैरियर, आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो हो सकता है तुम में से बहुत से लोग बोले, गौरव भाई जब ये गेम इतना ही बकवास है या फिर ये इतना ही फेक है तो तुमने फिर इसके बारे में बताया ही क्यों? इसलिए बताया क्योंकि भैया आप लोगों ने डिमांड की थी हॉरर गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और ओइजा बोर्ड, 3 AM चैलेंज, चार्ली ब्लडी मैरी, इन सब पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर तुमने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, और अगर देख रखे हैं तो तुमको मालूम होगा कि मैंने उन वीडियोस में भी इन सभी गेमों के पीछे की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, ताकि तुमको वीडियो देखने में मजा भी आए और साथ ही साथ तुम्हें इन सारी चीजों की हकीकत भी पता चल सके। यार बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर ऐसा तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भैया रात के बज गए हैं 12, मैं जा रहा हूं बाथरूम के अंदर द बाथरूम चैलेंज करने। तुम अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। लेकिन ध्यान रहे, इस समय आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। ये कबाड़ी वाला तभी क्यों निकलता है जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूं? ये वही आत्मा है जिसने उसको चलो चलो हंसी पर कंट्रोल करते हैं अपनी ये यार हंसी नहीं रुक रही यार, अब मैं क्या करूं, कैसे वीडियो बनेगा बताओ। ये वही आत्मा है जिसने उस इंसान को बाथरूम में नंगा होते हुए देखा था। अरे खतरनाक यार सही में।